हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे वाईफाई स्ट्रिप बटन के बारे में, कैसे यूज करना है। ये मॉड्यूल कैमरा है, कैसे यूज करना है उसके लिए हम बताएंगे कैसे यूज करना है। ये ये लुक कैम प्रो ऐप में है। इसके साथ एक यूजर मैनुअल, एक बैटरी और एक चार्जिंग केबल और एक कैमरा मॉड्यूल आ जाते हैं, और ये कार्ड भी साथ में आते हैं। तो आप अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ये कैमरा अगर आपको चाहिए तो ऑर्डर कर सकते हैं। इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, दोनों नंबर हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है जो कि ये केबल लग जाएगी, यहाँ पे ऐसे करके लगा के चार्ज कर सकते हैं 1.5 से 2 घंटे तक। इससे ज़्यादा चार्ज ना करें क्योंकि बैटरी फुल जाएगी इसकी। और ये रीसेट बटन है, अगर इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम आती है तो इस बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो रीसेट हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये वाला बटन, और ये ऑन ऑफ का बटन है, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट है, यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। इसमें स्लॉट में रख के थोड़ा प्रेस कर दीजिए, लॉक हो जाएगी। और ये इसका एंटीना है, और ये बैटरी से कनेक्ट होगी, ये बैटरी है इसकी। ये वायर इसकी रेड की तरफ रेड रखिए, उल्टा लगाएंगे तो ये लगेगा नहीं। ये देख सकते हैं, अभी देखिए ऑन करते हैं इसको। ये देखिए इसके अंदर लाइट जल रहा है, यहाँ पे ये लाइट दिखता नहीं है, इस स्लॉट के अंदर ही दिखेगा, और या फिर इस तरफ से। अब हम अपने फ़ोन में ये लुक कैम प्रो ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें QR कोड दिया हुआ है, चाहे तो यहाँ से स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें QR कोड नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली अपने गूगल प्ले पे जाएंगे, यहाँ पे लुक कैम प्रो करके, ये देखिए लुक कैम प्रो ये वाले ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मेरे फ़ोन में पहले से डाउनलोडेड है तो हम सीधा ओपन करेंगे पहले इसको। अलाउ ऐड कैमरा, यहाँ से ऐड करें चाहे फिर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कहीं से भी कीजिए। पहले अभी कैमरा का पहले वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हैं। ये कैमरा का वाईफाई हॉटस्पॉट वाईफाई है, इसको पहले कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद फिर ऐप के अंदर जानी है। कनेक्टेड हो गया है, अब बैक करेंगे। और ये ऐड कैमरा, ये लुक कैम ऐप है, लुक कैम प्रो। ऐड ऑनलाइन कैमरा, ऐड ऑनलाइन कैमरा, नीचे तीन ऑप्शन आ रही है, सर्च नेटवर्क, स्कैन QR कोड, श्योर। हम सर्च कैमरा सर्च नेटवर्क करेंगे। करने के बाद ये जो हमने वाईफाई कनेक्ट करा था कैमरा का, ये कैमरा यहाँ पे शो कर गया है, अभी नॉट एडेड लिखा हुआ है। इसको क्लिक करेंगे और फिर श्योर करेंगे, ये ऐड हो गया कैमरा। अभी हम देखिए प्ले करेंगे इसको, ये देखिए इसमें हेलो हेलो ये सुन सकते हैं, इसमें आवाज़ भी आ रही है, हेलो हेलो। ये स्क्रीन के पास है बिल्कुल, इसलिए ब्लर आ रही है। मैं बैक करके दोबारा प्ले करता हूँ, ये देख सकते हैं।
ये देख सकते हैं, या फिर ये हमारे स्क्रीन पे ये लगा हुआ है इस पे लेंस पे, तो इसको उखाड़ लीजिए। अब देखिए वीडियो की क्लियरिटी। ये अभी डायरेक्ट कैमरा के हॉटस्पॉट से प्ले हो रही थी वीडियो। अब इसको अपने वाईफाई से कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको इस सेटिंग सेटिंग वाले बटन के अंदर जाना है, सेटिंग पे क्लिक करनी है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इसमें वाईफाई सेटिंग पे क्लिक करेंगे। वाईफाई सेटिंग पे जो भी आपका वाईफाई होगा, जिस वाईफाई से कॉन्फ़िगर करना चाहे, वो यहाँ पे आपके शो कर जाएंगे। मैं इस वाईफाई से कनेक्ट करूँगा इसको, और इस वाईफाई का पासवर्ड डालूँगा। मैंने पासवर्ड डाल लिया है। इसके बाद ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब ये वेट करने के लिए कह रहे हैं, वेट करेंगे थोड़ी देर। ये अभी वाईफाई से कॉन्फ़िगर हो रहा है। हाँ, ये वाईफाई से कॉन्फ़िगर हो गया। अभी ये ऑनलाइन हो गया हमारा कैमरा, ये ऑनलाइन चल रहा है। ये देख सकते हैं अभी हमारा वाईफाई कनेक्ट है और कैमरा का वाईफाई हट गया है। अब आप कहीं पे भी जाके ये मोबाइल के इंटरनेट से ऑन करके और कैमरा कहीं पे भी फिक्स कर दीजिए, लेकिन वहाँ पे वाईफाई ऑन रहनी चाहिए और कैमरा ऑन रहेगा तो आप कहीं से भी लाइव वीडियो देख सकते हो इस तरह से। देख सकते हैं और अगर एक बारी में सेटिंग नहीं होती, अगर प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस वाले ब्लैक वाले बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो रीसेट हो जाएगा। इसमें ग्रीन लाइट है, इसके अंदर लाइट 2-3 बारी फ्लैश होगा और रीसेट हो जाएगा। थोड़ी देर प्रेस करके रखना होगा इस तरह से। देख सकते हैं अभी रीसेट हो गया। अब ये वीडियो प्ले नहीं होगा, कैमरा ये ऑफलाइन। अब दोबारा से जैसे हमने सेटिंग किया था वैसे करना पड़ेगा। इनको डिलीट कर दीजिए, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और जो भी अगर कैमरा में मेमोरी कार्ड लगाते हैं, तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड का सेटिंग है रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो ये सारा रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ जाएगी। अभी कैमरा रीसेट हो गया तो इसलिए ऑप्शन ऑफलाइन आ रही है, तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ से भी रीसेट रिबूट कर सकते हैं, और यहाँ से ना हो तो यहाँ से रीसेट करनी है। अभी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।